हे गाइस, लेट्स कुक विद सुचिता चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको काबली चने से बनने वाली चाट की रेसिपी बता रही हूँ, एकदम हेल्दी तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए देखिए कैसे बनेगा। इसके लिए मैं एक कप काबली चना ली हूँ। काबली चने को मैं ओवरनाइट सोक कर ली हूँ। काबली चने को 8-9 घंटा भिगोना ज़रूरी है। अब मैं इसे प्रेशर कुक की हूँ। मैं इसमें 2.5 कप पानी और 1/2 चम्मच नमक डालकर प्रेशर कुक की हूँ 3-4 सीटी आने तक। अब मैं एक बोल में इसे ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, बॉइल्ड चने को। देखिए मैं इसे ट्रांसफ़र कर दी हूँ। अब मैं आपको एक चने दबा कर दिखाती हूँ कितने अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब एक बोल ली हूँ, उसमें मैं कुछ मसाले ले रही हूँ। मसालों में 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ली हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। एक चम्मच मैं चाट मसाला पाउडर डाल रही हूँ, ये सब टीस्पून है। और मैं 1/2 टीस्पून मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। आधा टीस्पून मैं भुना हुआ जीरा पाउडर ले रही हूँ। वन फोर्थ टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच गरम मसाला ली हूँ। अब मैं चने के पानी जो है उसे मैं इन मसालों में डाल रही हूँ। मैं वेस्ट नहीं करूँगी चने के पानी को, इस पानी से ही मैं मसाला को मिक्स करूँगी। अब मैं मसालों को मिक्स कर ले रही हूँ चम्मच की मदद से। देखिए मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं एक पैन ले रही हूँ, उसमें मैं 1 छोटा चम्मच तेल डाल रही हूँ। आप कोई भी तेल या घी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाली हूँ, शाही जीरा। और मैं हींग डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। मैं अदरक बारीक काट करके 1/2 इंच अदरक डाली हूँ बारीक काट करके। अदरक को हल्का गुलाबी होने तक मैं भून ले रही हूँ मीडियम फ्लेम पर। आप इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। अब मैं इन मसालों के पेस्ट को डाल दे रही हूँ। मसालों को मैं अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। मसाला देखिए अच्छी तरह से भुन गया है, तेल अलग हो गया है। अब मैं चना डाल दे रही हूँ। बॉयल किया हुआ चना मैं डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ, मसालों में कोट कर ले रही हूँ। देखिए एक कोटिंग आ गया है मसालों का अच्छी तरह से इन चनों में। अब इसे ड्राई कर ले रही हूँ चनों को। इसी तरह मैं चलाते हुए ड्राई कर लूँगी।
मसालों को और चनों को। देखिए चना ड्राई हो गया है, अब इसे एक बोल में मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। अभी ये गरम है चना, इसीलिए एक बोल में मैं निकाल ले रही हूँ। अब चना देखिए ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर और कटा हुआ खीरा डाल रही हूँ। आप चाहे तो गाजर भी डाल सकते हैं ग्रेट करके। अब मैं बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल रही हूँ एक, और बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। अब मैं आधा नींबू इसमें डाल रही हूँ। आपको जितना खट्टा पसंद हो आप उसी हिसाब से नींबू का रस डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। चाट हमारा रेडी हो गया है, अब इसे एक मैं प्लेट में सर्व कर दे रही हूँ। देखिए काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आप इसे ब्रेकफास्ट और डिनर में भी खा सकते हैं। आप इसे बच्चे बड़ों सभी को दे सकते हैं खाने के लिए। ये डायबिटीज शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी काबले चने की चाट की रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।